सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर बुधवार को गुरुद्वारा जटाशंकर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर सिख समाज के गुरु नानक भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। जटाशंकर गुरुद्वारा से शुरू हुआ भव्य शोभा यात्रा जटाशंकर, आर्यनगर, बख्शीपुर, नखास चौक, रेती चौक, घोष कंपनी, टाउन हॉल, गोलघर, धर्मशाला बाजार होते हुए पुनः गुरुद्वारा जटाशंकर जाकर सम्पन्न हुआ। शोभा यात्रा में बैंड बाजा के साथ सिख समाज के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। शोभा यात्रा के पूरे रास्ते में समाज की महिलाएं सड़क को झाड़ू से साफ करते हुए पुष्प वर्षा करती नजर आईं। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब का आराधना किया गया। इस संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा,
जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटा शंकर गोरखपुर। शोभा यात्रा की परंपरा तो पिछले कई वर्षों से 50 साल से चली आ रही है। पिछले कोरोना काल में 2 साल ही हम लोग की शोभा यात्रा नहीं निकल पाई है। इस समय प्रशासन की अनुमति से हम लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए एक शोभा यात्रा श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटा शंकर गोरखपुर से निकल के बख्शीपुर रेती चौक थवाई का पुल होते हुए इस समय रेती चौक पर आने वाली है। इस यात्रा का उद्देश्य श्री गुरु नानक देव जी के संदेशों को पहुंचाना है, सांझी एकता का परिचय देना होता है। श्री गुरु नानक देव जी ने एकदम सांझी एकता, उनके लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, उसी को देखते हुए हमारा इस जो एकता यात्रा निकलती है, इसका सभी धर्मों द्वारा स्वागत किया जाता है। सभी धर्मों के विभिन्न संगठनों के द्वारा भी स्वागत किया गया है और इस यात्रा में सभी धर्म के लोग सम्मिलित भी रहते हैं। गुरु नानक देव जी के उपदेशों का प्रचार करने के लिए पूरे शहर में यात्रा निकाली जाती है ताकि सबको पता चल जाए कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश आ गया, उसका क्या महत्व है, उनकी यात्राओं के बारे में हम लोग को सबको बताते हुए चलते हैं। आप इस समय यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र हुए हैं श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व के स्वागत करने के लिए, यात्रा को स्वागत करने के लिए। तो हम लोग सांझी एकता वार्ता का परिचय करते हुए यही शोभा यात्रा निकाल रहे हैं।